नमस्कार, आप देख रहे हैं केगड़ी न्यूज में आपके साथ सुतिका थपलियाल। रुक करेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों की तरफ। सीएम योगी ने दिया बयान, जल्द पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण, न्याय धर्म सत्य के पथ का करेंगे अनुसरण। जौनपुर में चला योगी का बुलडोजर, अवैध निर्माण के कब्जे को कराया मुक्त, आजम खान से मिले अखिलेश यादव। आजम खान से मिले अखिलेश यादव, सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान, जेल से छूटने के बाद पहली बार आजम खान से मिले अखिलेश यादव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे भोपाल, सीएम शिवराज ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दी बड़ी सौगात, जबलपुर भोपाल ग्वालियर बिलासपुर के बीच नई हवाई सेवा होगी शुरू। जारी हुई नई गाइडलाइन, अब पार्षदों को भी देना होगा चुनावी खर्च का हिसाब। सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा भेजेंगे बीजेपी, बीजेपी के इस फैसले पर विपक्ष पे मची बड़ी खलबली। कमलनाथ ने किया शिवराज पर पलटवार, कहा शिवराज को मौका मिले तो अमिताभ बच्चन से कर दे तुलना। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में हुआ ऐलान, अगर घर में शौचालय है तभी लड़ पाएंगे चुनाव। कश्मीर की सुरक्षा को लेकर राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले 5 महीने में शहीद हुए 15 सुरक्षा। आयकर विभाग ने 5 राज्यों में की बड़ी छापेमारी, 5 राज्यों के 400 ठिकानों में मारा छापा। धामी को लेकर बीजेपी ने किया दावा, एक तरफा चुनाव जीतेंगे धामी। तो शुरू हुई कैलाश धाम यात्रा, भारत तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है कैलाश धाम, दौसलाबाद फिर शुरू हुई यात्रा। स्मृति ईरानी ने दिया बड़ा बयान, कहा काले धन के बड़े मालिक हैं सत्येंद्र जैन। 27 सेलिब्रिटीज को सुरक्षा देगी पंजाब सरकार, मूसेवाला की हत्या के बाद किए गए कई आवेदन। मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वारदात में इस्तेमाल की गई कई कारों को किया बरामद। हत्याकांड मामला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया, 5 दिन होगी लगातार पूछताछ। हिमाचल युवा कांग्रेस का अनूठा प्रयास, हाथों में छतरी लेकर किया नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन। दक्षिणी मैक्सिको में आया अगाथा हरिकेन, 10 लोगों की हुई मौत। पीएम शहबाज शरीफ ने लगाई भारत से गुहार, कहा भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की है ख्वाहिश। अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान, यूक्रेन को हिमार्स रॉकेट सहित कई एडवांस रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका। सेवेरोडोनेट्स्क शहर पर रूस ने किया कब्जा, नागरिकों को अंडरग्राउंड रहने का दिया आदेश। इसराइल ने यूएई के साथ किया व्यापार समझौता, आपको बता दें कि पहली बार किसी अरब देश के साथ किया मुक्त व्यापार समझौता। आगे नहीं झुका भारत, मई में रूस से खरीदा 30.36 लाख मीट्रिक टन तेल। अमेरिका ने फिर अंधाधुंध फायरिंग, एक की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। योगी ने राखी रामलला के गर्भगृह की पहली शिला, बोले ये मंदिर अब राष्ट्र मंदिर होगा। ज्ञानव्यापी को लेकर निश्लानंद महाराज ने दिया बड़ा बयान, कहा ज्ञानव्यापी को पुराने स्वरूप में हिलाना। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर सीएम धामी सहित 4 प्रत्याशियों की किस्मत, ईवीएम में हुई कैद, 64% रहा मतदान। फरुखाबाद एसडीओ ने कार्यालय में लगाई ओसामा बिन लादेन की फोटो, नीचे लिखा विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता। चित्तौड़गढ़ में आरएसएस संयोजक के कार्यक्रम से लौटते समय हुई हत्या, लोगों ने शहर में जमकर किया प्रदर्शन, शहर में धारा 144 हुई लागू। खनन पर कसा से गंजा, डीएम ने छापा मारकर मौके पर पकड़े 5 ओवरलोड डंपर, देर रात तक चली बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट में युवक के जूते से बरामद हुआ सोना, मुंबई जा रहे थे रामपुर के ये दोनों युवक, डील कैंसिल होने पर फ्लाइट से उतरे। झांसी में साड़ी के शोरूम में लगे भीषण आग, एक बुजुर्ग दंपत्ति की जलकर हुई मौत, 4 अन्य लोग लपटों में फंसे।
उत्तराखंड में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सक्रिय होने की आशंका। गायक मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस विभाग हुआ सतर्क। को मिली महंगाई से बड़ी राहत। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। 135 रुपए घटाई गई सिलेंडरों की कीमत। वाराणसी के बाद नेपाल ने उठाए सख्त कदम। खराब मौसम में सभी उड़ानों पर लगा दी गई रोक। यूक्रेन में केमिकल प्लांट पर रूस ने दिया एसिड से हमला। ज़ेलेंस्की बोले ये है पागलपन। 30 फाइटर जेट्स ने की घुसपैठ। गुस्साए ताइवान ने दूर तक खदेड़ा। ताइवान में चीन ने की घुसपैठ। 30 फाइटर जेट्स के साथ ताइवान के डिफेंस जोन की तरफ बढ़ा। अमेरिका ने कहा अपनी हद में रहो। विजय ने जारी की नई गाइडलाइन। कहा बीमारी होने पर यौन संबंध से परहेज करें। सिंगर केके का कोलकाता में हुआ निधन। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बिगड़ी थी केके की तबीयत। गायक केके की मौत मामले में हुआ केस दर्ज। आजकों और होटल स्टाफ से पुलिस करेगी पूछताछ। भुलैया ने 11 दिन में कमाए 128 करोड़। कार्तिक की पिछली 6 फिल्मों से लगातार 5वीं हिट फिल्म बनी भूल भुलैया 2। धनुष की पहली हॉलीवुड फिल्म का कैरेक्टर पोस्टर जारी। 22 जुलाई को रिलीज होगा द ग्रे मैन का ट्रेलर। हैदराबाद टीम से जलवा बिखेरने वाले उमरान मलिक के फैन हुए ब्रेटली। पाकिस्तानी के दिग्गज खिलाड़ी यूनुस खान से की तुलना। रवार के चैंपियन राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराया सेमीफाइनल में की शिरकत। धोनी से मिलकर इमोशनल हुई फैन गर्ल। धोनी ने पहुंचे दिव्यांग फैन के आंसू। कहा कभी मत रोना। बायो बबल के बिना खेलेगी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने भारतीय प्लेयर्स को 5 जून तक दिल्ली बुलाया। 9 जून को खेला जाएगा पहला मुकाबला। भारत में फिर बड़ी प्री मानसून गतिविधियां। दिल्ली हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश के आसार। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के एक्टिव केस 18,000 के हुए पार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर में केवल इतना ही। मेरे हमारे साथ देखते रहिए केकेडी न्यूज।